हेलो हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे पास डाउट आ रहा है कि सर ये रॉक कोर इंटरव्यू क्या है, हम इसमें क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं और ये कैसे हमें ट्रेनिंग या जॉब को सर्च करने में हेल्प कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये रॉक कोर इंटरव्यू का पेज है जिसमें अभी रिसेंटली ये सारे सक्सेस स्टोरीज हैं। ये सारे स्टूडेंट जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया था, कुछ बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ है और कुछ स्टूडेंट्स जो सीएमए रिसेंटली क्वालिफाइड किए हैं उनको ऑफ कैंपस भी जॉब मिली है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीएमए ट्रेनिंग के लिए भी मेरे पास आए थे एंड उनका भी सिलेक्शन हुआ है। लाइक शुभम सीएमए सेमी क्वालिफाइड है, उत्सव सेमी क्वालिफाइड है, रीना भी सेमी क्वालिफाइड है, रिंकी सीएमए क्वालिफाइड है, मैंग पुरोहित सीएमए सेमी क्वालिफाइड है, शशांक एमबीए इन्होंने कर रखा है, हर्षिता सेमी क्वालिफाइड सीएमए है, ये भी सेमी क्वालिफाइड सीएमए प्लस एमकॉम है, एंड वेंकटेश सीएमए क्वालिफाइड है। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं, काजल भी सीएमए क्वालिफाइड है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं क्वालिफाइड एंड सीएमए क्वालिफाइड मेरे पास आए हैं। कुछ बच्चे कैंपस के लिए आए थे, इनफैक्ट दिल्ली कैंपस में 3 बच्चे आए थे मेरे पास, तीनों का ही दिल्ली कैंपस हो गया है। सो अगर आप इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें आप सीखते हो तो आप यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हो, बच्चों के फीडबैक वीडियोज है। इस कोर्स में अप्रॉक्स आपको 10 to 12 आवर्स का कोर्स ड्यूरेशन है। एंड इस कोर्स में मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो मैं रिज्यूम ड्राफ्टिंग से लेके आपको रिज्यूम कैसे ड्राफ्ट करना है, देन उस जब आप रिज्यूम ड्राफ्ट कर लोगे देन आई विल रीचेक योर रिज्यूमे, जो भी अलाइनमेंट मिस्टेक्स या कुछ भी होंगे उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। रिज्यूमे को हम ATS फ्रेंडली कैसे बनाना है एज पर फाइनेंस फील्ड, अगर आप फाइनेंस के जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सारी चीज़ें हम करते हैं। इसके बाद लिंक्डइन को हम कैसे यूज करें अपने पर्सनल ब्रांड को डेवलप करने के लिए, वो सारा लिंक्डइन कैसे हमें हेल्प कर सकता है जॉब सर्च करने में या जॉब लेने में, वो सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। नौकरी ऑप्टिमाइजेशन, मैं ACP का भी एक ओवरव्यू सेशन देता हूँ, बिकॉज आप किसी भी लेवल पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, ACP के बारे में पूछा जाता है तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आंसर करना है ACP के क्वेश्चन, इसका जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं लाइक व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। बहुत बच्चे होते हैं जो सैलरी एक्सपेक्टेशन के टाइम में निगोशिएट नहीं कर पाते हैं, तो मैं सैलरी निगोशिएशन करना वो सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। एंड देन हम 2 मॉक इंटरव्यूज भी हम करेंगे जिसके अंदर मैं आपको जज करूंगा कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो एंड वो सारे एरिया जहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे होगे हम उसके ऊपर काम करके उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो हम 2 मॉक इंटरव्यूज भी हम करेंगे। तो कोर्स ड्यूरेशन अप्रोक्स आपको 12 to 15 आवर्स तक का भी चला जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता कि आपका कोर्स 12 घंटे का है तो उसके बाद मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। अगर बच्चे फिर भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जैसे रिज्यूमे में होता है, कभी कोई और होता है आपके पास, अचानक से कोई इंटरव्यू कॉल आया तो आप मेरे पास रीच आउट करोगे कि सर मेरा यहाँ इंटरव्यू होने वाला है मैं क्या पढ़ूँ, तो आई विल सपोर्ट ऑल दिस टाइप्स ऑफ टू दिस स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से लोग इसको कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो आप इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेज जो हमारी होती है वो सैटरडे संडे को क्लासेज होती है, वीक डेज में जनरली क्लासेज नहीं होती है। सैटरडे संडे को 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेज हम करते हैं, और अगर आप सैटरडे संडे में अगर आप क्लासेज लेते हो तो आपका मैक्सिमम 15 डेज में आपकी कोर्स कम्प्लीट हो जाती है। अगर आप सिर्फ संडे संडे क्लासेज लेना चाहते हो वो भी चीज़ है हमारे पास, आप सिर्फ संडे संडे भी क्लासेज ले सकते, तो उस केस में आपके कोर्स ड्यूरेशन अप्रोक्स 4 संडे आपको लग जाएगा, तो आप अप्रोक्स 1 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो सब कुछ है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस आंसर्स PDF सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, अकाउंटिंग कॉस्टिंग GST इनकम टैक्स में क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं वो सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। मोड ऑफ क्लास ऑनलाइन रहेगा, MS Teams के थ्रू आपकी क्लासेज होगी, एंड क्लास का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में भी है। अगर आप जैसे आप साउथ से बिलोंग करते हो तो आपको हिंदी समझने में प्रॉब्लम है तो वी विल प्रोवाइड यू क्लासेज इन इंग्लिश। ये सारी चीज़ें सारी डिटेल्स है, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।